हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्बल वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि एक फिलिंग करके माल को कैसे बेचा जाता है और कैसे वो माल आपको सस्ते में भी फिट हो जाता है और उस माल की रेट भी बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को ज़रूर दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट थप्पी है और इसके अंदर दोस्तों आपको विदाउट फिलिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है। और दोस्तों, जब गोडाउन वाले लेके जाते हैं और इसमें फिलिंग होती है, तो दोस्तों जैसे कि इसका प्राइस है दोस्तों 22 रुपये प्राइस है। और दोस्तों, जब इसका फिलिंग होने के बाद जो भी क्रैक रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। 22 रुपये में दोस्तों उसमें क्रैक देखने को मिलेगा। तो गोडाउन वाले सस्ता माल उठा के फिलिंग करके आपको 30-40 रुपये में जो हैं प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप अगर फिलिंग नहीं पहचान पाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि आप जो भी माल ले रहे हैं उनसे पूरा बात करें कि इस माल में फिलिंग तो नहीं है, इस माल में कितना क्रैक है, ये माल पानी तो नहीं पिएगा। जैसे कि दोस्तों, इसकी रेट हमने 22 रुपीज़ रखी है और दोस्तों इसमें फिलिंग होने के बाद में जो है इसकी रेट डबल हो जाती है। तो दोस्तों, कुल मिला के आपको सस्ता माल महंगे में बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे, फिगर भी बहुत अच्छा है जो रेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ग्लेज की बात करें तो ग्लेज भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और कोई भी फिलिंग वाली थप्पी अगर रहती है और उसका ज़्यादा रेट रहता है तो आपको अवश्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माल सस्ता होता है, फिलिंग होने के बाद जो है आपको डबल रेट हो जाती है। हम माल हमेशा फ्रेश रखते हैं और विदाउट फिलिंग का रखते हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि हमें इस थप्पी में कोई फिलिंग कर दो तो हम करते हैं, फिलिंग का भी खर्चा आता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे पास कोई भी माल फिलिंग वाला नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जो भी फिलिंग करता है तो आपको ध्यान रखना है और उनसे बात करनी है कि हमारा माल फिलिंग वाला तो नहीं है, उसमें कोई कच्चल डोरा या क्रैक तो नहीं है, तो आपको बेटर रहेगा। वरना दोस्तों, बहुत सारी जगह पर फिलिंग वाला माल दे देते हैं जो कि सस्ता माल, और उनको जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको दूसरा थप्पी बताऊंगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा फिगर है। अब दूसरा थप्पी बताता हूं मैं आपको। और अब जो आप ये थप्पियां देख रहे हैं, इन थप्पियों में दोस्तों आपको कहीं पर भी कच्चेल या डोरा कह सकते हैं, आप करेक कह सकते हैं या पानी पीने वाला मार्बल कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें बिल्कुल नहीं हैं और ये बिल्कुल 100% फ्रेश हैं। और दोस्तों, इसमें रेट की बात करें तो रेट दोस्तों बहुत सस्ती है। जैसे कि विदाउट फिलिंग का माल जो हमने 22 में बताया है और फिलिंग होने के बाद उसका रेट जो है 35 और 40 रुपये हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। उसी रेट में दोस्तों आपको 100% फ्रेश थपियाँ मिल जाती है और उसमें वाइट ग्लेज देखने को मिल जाता है और उसमें 100% फ्रेशनेस मिल जाती है। कोई पानी नहीं पीता, कोई चटका नहीं आता है, किसी भी प्रकार का है जो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई क्रैक वगैरह नहीं आता है। नॉर्मल कोई टूटा हुआ रहता है तो वो इंच मेजरमेंट में जो है लेस हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, फिगर भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे कि फिलिंग वाला माल में अक्सर क्या होता है कि रेट ज़्यादा बता के भी वो लोग कम कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि माल सस्ता पड़ रहा है, मगर आपको ये नहीं पता है कि इस माल के अंदर क्या खूबी है, यानी कि ये माल कौन सा है और इस माल के अंदर क्या क्या किया हुआ है। पाउडर फिलिंग होने के बाद दोस्तों माल की रेट जो है बढ़ा दी जाती है, अक्सर वो माल की रेट कम होती है। अब पाउडर फिलिंग हर किसी को नहीं समझ में आता है, तो दोस्तों आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। जैसे कि हम आपको जो थपिया बता रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी थप्पियाँ हैं और इनकी रेट की बात की हमने 42 रुपीज़, यानी 42 रुपये स्क्वायर फुट में बहुत ही अच्छी थप्पियाँ अपने को मिल जाती हैं। जैसे कि हमारे पास तो हर माल कटता रहता है तो हम आपको उसकी अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि इन थप्पियों की रेट हमने 42 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट रखी है। बहुत ही अच्छा ग्लेज है, कहीं पर भी क्रैक वगैरह डोरा वगैरह बिल्कुल नहीं है। पैटर्न भी बहुत अच्छा है, ये पक्का डोरा है दोस्तों, खुलता नहीं है और इसमें पॉलिश होने के बाद ये थोड़ा भी नहीं दिखता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये भी माल बहुत अच्छा है, जो कि बड़ी थप्पियाँ हैं और साइज़ इसकी बहुत बड़ी है। जैसे कि ये 700 स्क्वायर फुट का थप्पी है और 7 फुट उसकी लंबाई है।
और 4 फुट हाइट है। और दोस्तों इसके आप देखें तो ये 4 फुट उनकी लंबाई है और 3 फुट उनका हाइट है। और ये जो कुत्ता देख रहे आप, ये भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न में है, पूरा लॉट एक जैसा है। तो दोस्तों धन्यवाद, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।